भाई को किसने मारा तुम्हारे? मेरे पापा। क्या नाम है पापा का? संतोष। संतोष कैसे मारा उन्होंने? उन्होंने फांसी लगा दी फिर जला दिया। जला दिया फिर कहाँ ले गए उसको? उसको खुरपी लेके फिर गाड़ दिया ये फिर बगिया। अच्छा। जहाँ समाज में मौसी और माँ के बीच कोई अंतर नहीं समझा जाता और कहावत ये भी है कि माँ मरे मौसी मिले जो मासूम जैसी हो, लेकिन जब मौसी ही अपनी बहन के गोद लिए बेटे की बेरहमी से हत्या कर दे और उसकी लाश बगीचे में दफन कर दे तो समाज में फैली कहावत भी शर्मसार हो जाती है। दरअसल पूरा मामला फरुखाबाद का है, जहाँ मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गाँव खिमसेपुर निवासी सोनी पत्नी संतोष श्रीवास्तव की बहन राधा निवासी मरियापुर कोतवाली गुरसहाय गंज जनपद कन्नौज एक मामले में बीते दिनों जेल चली गई थी। सोनी के बहनोई अजय कुमार की मौत हो चुकी है, जिसके बाद बीते लगभग 15 दिन पूर्व सोनी अपनी बहन राधा के 7 वर्षीय पुत्र सुमित और 5 वर्षीय सोमिया को अपने घर ले आई थी, लेकिन बीते दिन से अचानक सुमित कहीं गायब हो गया, जिस पर जब ग्रामीणों ने सुमित की बहन 5 वर्षीय सोमिया से जानकारी की तो मृतक सुमित की बहन सोमिया ने बताया कि मौसी ने उसके सामने उसके भाई की फांसी लगाकर हत्या कर दी, उसके बाद उसे जलाया और फिर पीछे बाग में दफना दिया। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? क्या घटना हुई थी मालूम? कुछ भाई को किसने मारा तुम्हारे? मेरे पापा। क्या नाम है पापा का? संतोष। संतोष कैसे मारा उन्होंने? उन्होंने फांसी लगा दी फिर जला दिया। जला दिया फिर कहाँ ले गए उसको? अच्छा, तो किसने किसने मारा था उसको? मम्मी ने और पापा। मम्मी का नाम क्या है बेटा? कीर्ति देवी है। दोनों लोगों ने मारा आपको तो नहीं मारा था? आपके सामने भाई को मारा था। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हुई आज? आज नहीं कही है, कल की घटना आई है। क्या घटना हुई थी? उसको पहले जलाया है। किसको? लड़के को। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम हमको नहीं मालूम है। किसने जलाया? इसके मौसी ने, संतोष। मौसा दिखाई पड़ रहा है। फिर क्या हुआ? तो ये बगिया में मोहनपुर की बगिया में ये गाड़े आया। कितने टाइम गया गाड़ने? पता नहीं कितने टाइम गया, हम वहाँ पे थे। वहीं हत्या की सूचना मिलने के बाद मोहम्मदाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। फिलहाल मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, आगे जांच में क्या तथ्य सामने निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि 7 वर्षीय बालक की हत्या की घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।